अरे मंदीप, हाँ जी, मेरा सामान पैक कर दे, मैंने दुबई जाना है। सच्ची? मेरे लिए ज्वेलरी ले आना। अरे मुझे पता ही नहीं, ध्यान ही नहीं, जाना सिंगापुर है, दुबई निकल गया मेरे मुंह से। अरे तो फिर मेरे लिए कॉस्मेटिक्स ले आना। अरे मैं भी एकदम पागल हो चुका हूँ यार, काम के चक्कर में मेरे को लंदन जाना है, वो सिंगापुर निकल गया मुंह से। अरे तो फिर परफ्यूम्स ले आना। कहाँ जा रहे हो? अब टट्टी करने जा रहा हूँ, वहां से कुछ लेके आऊँ तेरे लिए, भूखी औरत। बाबू, सपोज करो अगर मैं आपको समझूं और आपकी सारी बातें मानूं तो? क्या हो गया? मैं तो साला सपोज भी नहीं कर पा रहा हूं। तो क्या कर रही हो? मम्मी जी, मैं इनको लेटर लिख रही हूँ। अरे आजकल के जमाने में कौन लेटर लिखता है, फोन कर ले। मम्मी जी, मैंने 3 बार फोन किया था, पर पता नहीं कोई औरत बोलती प्लीज ट्राई लेटर, तो मैंने लेटर लिखना शुरू कर दिया। तू बेमिसाल है, तेरी क्या मिसाल दूं, आसमां से आई है। मैंने भी 4-5 बातें सुना दी, अगली अरे बार। यार कभी तो चुप बैठा करो, हमेशा कच 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 करती रहती हो। कह रही थी मुझे, मैंने भी 4-5 सुना दी, अब कहेगी नहीं मुड़कर मुझे कुछ। तुम्हारे ये लब जब खामोश रहते हैं तो तुम्हारा चेहरा और भी हसीन लगता है। अरे आंटी जी, अरे बेटा, दही है क्या? थोड़ा सा दही दे दे। अरे आंटी जी, दही तो है नहीं, कल हम लोगों ने कढ़ी बना ली थी। अच्छा चल कोई ना। अरे बहन कहाँ से आ रही हो? अरे बहन तुम्हारे घर गई थी दही लेने, तुम्हारी बहू कहती दही की तो हमने कड़ी बना ली। अरे उसकी इतनी हिम्मत, चलो मेरे साथ। आओ आओ आओ। अरे बहन दही तो खत्म हो गया था, कल कड़ी बना ली थी ना। अरे ये बात तो तुम्हारी बहू ने भी कही थी। अरे वो कौन होती है बोलने वाली, जो बोलूंगी मैं बोलूंगी। अयोध्या Yes, sure.